हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉमीज प्लैनेट इंडिया। मैं पल्लवी, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। क्या आप भी उन पेरेंट्स में से हैं जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल और टीवी में इन्वॉल्व रहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आपका बच्चा कुछ सीख नहीं रहा है, इसके बजाय वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मोबाइल और टीवी में गुजार रहा है और आपकी बात नहीं सुन रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी 3 एक्टिविटी बताऊँगी जो मैं खुद भी करवाती हूँ, काफ़ी टाइम से मैं करवा रही हूँ। और यकीन मानिए, अगर ये चीज़ आप करते हैं तो आपके बच्चे का जो मोबाइल और टीवी का स्क्रीन टाइम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी, जो एक्टिविटी है वो है राइटिंग बोर्ड एक्टिविटी। जी हाँ, आप मेरे पीछे देख सकती हैं, वहाँ पे एक मैंने राइटिंग बोर्ड रखा है। ये मैं पिछले 6 महीने से यूज़ कर रही हूँ और यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बच्चों को आप बहुत देर तक इसमें इन्वॉल्व करके रख सकते हैं और काफ़ी कुछ सिखा सकते हैं। यहाँ पे 2 बोर्ड दी जाती है, आगे वाले बोर्ड पे आप चॉक से लिख सकते हैं और पीछे वाले बोर्ड पे मैग्नेटिक अल्फ़ाबेट दिए जाते हैं। और ये साथ में चॉक होल्डर मिलता है जिसमें आप चॉक फंसा के आराम से बच्चों को सिखा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों के जो हाथ होते हैं वो गंदे भी नहीं होते हैं, सेफ़ भी रहते हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि आप बच्चों के लिए ये बोर्ड ज़रूर मंगवाएँ। अगर आपके आसपास मिलता है तो आप देख लें, नहीं तो मैंने जहाँ से मंगवाया है मैंने लिंक दे दिया, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो बोर्ड की उपयोगिता यहाँ पे ये हो जाती है कि बच्चों को कुछ नया लगता है, उन्हें थोड़ी क्लासरूम वाली फीलिंग आती है। वो बोर्ड पे स्क्रिबल करना सीखते हैं, पेंसिल होल्ड करना सीखते हैं, और जब आप साथ में करते हैं तो उनको इंटरेस्ट आता है। यहाँ पे आप आसानी से बच्चों को अल्फ़ाबेट लिखना, नंबर लिखना, ड्राइंग करना, मल्टीपल चीज़ें आप सिखा सकती हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स भी बनाना सिखा सकती हैं, बिकॉज़ हमेशा अगर हम पढ़ाई पढ़ाई करेंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को अपने मन का करने दीजिए। आप बच्चों को दे दीजिए और उन्हें ड्रॉ करने दीजिए जो भी वो उनका मन करे। कि चलो मैं फ़िश बनाती हूँ, तुम नीचे वाटर बनाओ। अरे फिश तो पानी में तैर रही है, चलो आप बोर भी बनाते हैं। तो ऐसे स्टोरी भी बच्चे बोलना सीखते हैं, बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पर आगे आप देख रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने चॉक का इस्तेमाल के लिए दिया है, और पीछे जब आप देखेंगे तो वहाँ पे इन्होंने दिया है आपका मैग्नेटिक अल्फ़ाबेट। मैं आपको मैग्नेटिक अल्फ़ाबेट दे सकती हैं लगाने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए करेक्ट अल्फ़ाबेट। इसके बाद डिफरेंट स्माइली दी जाती है, तो अगर आपके बच्चे ने सही बनाया तो आप एक अच्छा स्माइली वहाँ बोर्ड पे लगा सकती हैं। तो ये मल्टीपल तरीके हैं जहाँ पर आप बच्चों को इंगेज कर सकती हैं। इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको 1000 से 5000 के बीच में हर वैरायटी का आता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लें। अच्छी क्वालिटी का मंगवाएं, खुद भी साथ में बच्चों के लगे, और आप रिजल्ट देखेंगे कि बच्चों का जो मोबाइल से इंटरेस्ट है वो ज़रूर कम हो जाएगा, बिकॉज बच्चों को कुछ क्रिएटिव मिलेगा, कुछ नया मिलेगा, तो वो काफ़ी देर तक इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। दूसरी जो एक्टिविटी है वो है प्लेमेट एक्टिविटी। जी हाँ, प्लेमेट से भी आप डिफरेंट टाइप की चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और बच्चे इसमें काफ़ी देर तक इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे मैं आपको एक प्लेमेट दिखा रही हूँ जो मैं पिछले करीब 1.5 से 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, और आशी अभी तक इससे बोर नहीं हुई है। अब वो इस प्लेमेट को डिफरेंट वे में एक्सप्लोर करती है, कुछ नया बनाती है। जैसे आप देख सकते हैं ये प्लेमेट है, और ये हर वैरायटी का मिलता है, हर क्वालिटी का मिलता है। और सबसे अच्छी बात क्या है इसमें, कि बच्चे इससे काफ़ी देर तक बिजी रहते हैं। जैसे आप इसमें जो डिफरेंट आपके जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, जैसे ये ब्लॉक है, तो बच्चों को आप फॉर एग्जांपल मैं ये दिखा रही हूँ, जैसे एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है ई, और ई के पास एक एलिफेंट बना हुआ है, तो आप बच्चों को यहाँ पर लेटर सिखा सकते हैं। ये आप इस तरह से निकाल के भी बच्चों को दे सकते हैं और बोल सकते हैं जो करेक्ट लेटर है वो लगाओ। एलिफेंट को आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप बच्चों को यहाँ पे जो करेक्ट पजल में जो एल्फेंट जाएगा वो आप लगाने के लिए बोल सकते हैं। प्लेमेट एक्टिविटी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज बच्चे यहाँ पे अल्फ़ाबेट सीखते हैं, नंबर सीखते हैं, इसके अलावा वो नए नए तरीके सीखते हैं इसको एक्सप्लोर करने के। बच्चे जब यहाँ पे अपनी फिंगर्स के हेल्प से जब इसे यहाँ पे प्रेस करते हैं तो उनके हैंड पे जो ग्रिप बनता है, इसके अलावा उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बनता है, मोटर स्किल डेवलप होता है। प्लेमेट एक्टिविटी से बच्चों को कलर सिखा सकते हैं, नंबर सिखा सकते हैं, इसके अलावा बच्चों को बोल सकते हैं चलो इसका डॉल हाउस बनाते हैं, बिकॉज ये बिल्डिंग ब्लॉक की तरह भी इस्तेमाल होता है। इसके ब्लॉक्स को आप पीसेस में भी कर सकते हैं, आप मैट भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप वीडियो में देख भी रहे होंगे आशी अपना डॉल हाउस इससे बना रही है। तो शुरुआत में वो बस अल्फ़ाबेट सॉर्ट आउट करती थी और जो भी मैचिंग अल्फ़ाबेट रहते थे हम साथ में बैठ के लगाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि वो इनको एज अ बिल्डिंग ब्लॉक यूज़ कर रही है। कभी वो ट्राइंगल बनाती है, कभी स्क्वायर बनाती है, कभी वो अपना स्विमिंग पूल बनाती है, फिर कभी वो डॉग हाउस बनाती है। तो ये एक्टिविटी जो प्लेमेट एक्टिविटी है काफ़ी इफेक्टिव है, और मैं देख रही हूँ कि वो इससे बोर नहीं हो रही है, काफ़ी टाइम से वो इससे खेल रही है। तो मुझे लगता है ये दूसरी एक्टिविटी जो है प्लेमेट एक्टिविटी, वो आपको ज़रूर करानी चाहिए। ये जो मैट्स होते हैं वो ईजिली आपको मिल जाते हैं मार्केट में। इफ़ इन केस अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैंने इसकी लिंक भी दे दी है, आप वो भी देख सकती हैं। 2500 से 3000 या 4000 के बीच में ये मैट्स आते हैं, हर क्वालिटी के आते हैं, और आप देख सकते हैं मैंने इसे कई बार वॉश किया, बिकॉज करीब मैं 2-2.5 साल से इसे यूज़ कर रही हूँ, और कभी होता था कि कभी वो इस पर कुछ खाने की चीज़ें गिरा देती थी, कभी कुछ गिराती थी, तो मैंने इसे वॉश भी किया हुआ है बट इसका कलर नहीं गया है।
तो ये एक अच्छी एक्टिविटी हो सकती है आपके बच्चे के लिए, जिसमें बच्चे आपके काफ़ी देर तक इंगेज रहेंगे। आप भी साथ में बैठ के उनके साथ पजल उनका सॉल्व कीजिए, मैट के साथ खेलिए। तो इससे क्या होता है, बच्चों को इंटरेस्ट जगता है, उन्हें सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। जैसे वो सारे जो मिसिंग पजल होते हैं जब वो उसमें ऐड करते हैं तो उन्हें अचीवमेंट की फीलिंग आती है। तो आप उनको वहाँ पे क्लैप क्लैप करके उनको आप मनोबल बढ़ा सकती हैं। तीसरी जो एक्टिविटी है वो है जिंगा। जी हाँ, तो आप तो सोच रहे होंगे जिंगा बड़े बच्चों के लिए, फिर मैं क्यों रिकमेंड कर रही हूँ छोटे बच्चों के लिए भी। तो देखिए, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि बच्चों की एक्टिविटी होती है कोई भी चीज़ को डिसऑर्गनाइज करने की, तोड़ने की। वो कभी भी ऑर्गेनाइज करना, संभाल के रखना और एक पैटर्न में कुछ भी रखना पसंद नहीं करते हैं। ये जिंगा का जो बॉक्स है वो मेरे भाई ने गिफ्ट किया था आशी को। तो जिंगा में कुछ इस तरह के आपको ब्लॉक्स दिए जाते हैं, या आप देख सकते हैं वुडन ब्लॉक्स होते हैं। और बच्चों को जब आप इनके साथ इन्वॉल्व करते हैं, आप जब उनको डोमिनोज बना के दिखाते हैं, तो बच्चे भी आपको फॉलो करते हैं और वो भी एक पैटर्न में चीज़ों को बनाना सीखते हैं। जैसे आशी को मैंने कई बार नोटिस किया है कि वो टेबल पर जैसे हम लोगों ने बैठ के बनाना शुरू किया, तो वो भी साथ में आती है, वो भी एक सीक्वेंस में अरेंज करती है, वो ऑर्गेनाइज करती है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना इस गेम के साथ, कि बच्चों का फोकस बढ़ता है, बिकॉज जब वो एक के ऊपर एक को स्टैक करते हैं तो वो काफ़ी बैलेंसिंग वाली चीज़ें सीखते हैं, फोकस उनमें आता है और धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट आता है। और ये ऐसा गेम है जो आराम से बच्चे को घंटे दो घंटे बिजी रखता है। तो यहाँ पे वो अलग अलग शेप्स बनाना सीखते हैं, पैटर्न बनाना सीखते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना सीखते हैं, उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, फोकस उनका बहुत इंक्रीज होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें देख के मैंने नोटिस किया कि नहीं, इट्स वेरी यूज़फुल, आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। और ये वुड का है तो कोई हार्म वाली बात नहीं है, बच्चे से मुंह में भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस बच्चों को ये गेम ज़रूर दें, उन्हें खेलने दें, उनके साथ बैठ के खेलें। और यकीन मानिए बच्चों बच्चे इसमें काफ़ी देर तक इन्वॉल्व रहेंगे, और कुछ जब क्रिएटिव करेंगे तो अपने आप उनका जो इंटरेस्ट है मोबाइल से टीवी से वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। मैंने इन तीनों टॉयज़ के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, अगर आपके आसपास मिलते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलते हैं तो आप वहाँ जाके मंगा सकती हैं, अपने बच्चों के साथ खेल सकती हैं, उन्हें इन्वॉल्व कर सकती हैं, ताकि उनका स्क्रीन टाइम काफ़ी हद तक कम हो जाए। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर मुझसे आप कुछ पूछना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखते रहें मॉमीज़ प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।